तो गाइज जो भी बड़ा यूट्यूबर है जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स 50,000 40,000 या सब यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो प्लीज़ चैट ऑफ़ करके करो, बिकॉज़ स्पैमिंग बॉट्स बहुत आ चुके हैं। आप लोग के लिए अच्छा होगा अगर आप लोग चैट ऑफ़ करके कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर्स को ये चीज़ बता दो। और आने वाला प्रोसेस में ये वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाएगा गाइज, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइज, थैंक यू। एंड गाइज जो इन लोग लिंक स्पैम करते हैं वो एक्चुअली एक पॉर्न वीडियोस की लिंक होती है। मैं अपने वीडियो में वो नहीं बोला हूँ बिकॉज़ कुछ हो सकता है, एक्शन ले सकते हैं यूट्यूब, इसलिए मैं आगे बोल रहा हूँ ताकि आप लोग सतर्क हो जाओ कि ये जो लिंक्स होती है वो एक्सएक्स की वीडियोस की लिंक्स होती है गाइज। हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल गाइस। तो यार आज जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ ग्रुप में या कहीं भी अगर कोई यूट्यूबर है तो कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करें, या तो खुद वीडियो बनाए, मेरा पोस्ट शेयर नहीं कर सकता है तो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज, मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये स्पैमिंग बॉट्स ये होता कैसे है और ये करते क्या है और यूट्यूब क्यों इनको टर्मिनेट करता है। जैसे कि आप लोग को मालूम है रिसेंटली कॉस्मिक वाइटी का चैनल टर्मिनेट हो गया था, पबजी का स्ट्रीमर है वो, 2 दिन पहले उनका चैनल टर्मिनेट हो गया था। बट गुड न्यूज़ ये है कि वो वापस आ चुके हैं। अब जो चैनल टर्मिनेट हुआ है वो है बिग लाइफ भाई का। 1-1.5 घंटा पहले वो लाइव कर रहे थे, विद इन 5 मिनट्स के अंदर स्पैमिंग बॉट्स आए उनके लाइव चैट पे, स्पैम करना चालू किया और उनका चैनल भी टर्मिनेट हो गया है। बट आप लोग चिंता ना करो, उनका चैनल कल या परसों तक ज़रूर वापस आ जाएगा। अब ये होता कैसे, जो ये स्पैमिंग बॉट्स है, आप लोग मेरे मतलब वीडियो पे भी एक फ़ोटो देखोगे जो स्पैमिंग बॉट्स कैस नाम से आते हैं, उन लोग क्या स्पैम कहते हैं। ये फ़ोटो मैं इसलिए डाल रहा हूँ जो फेलो यूट्यूबर्स है वो थोड़े सतर्क हो जाए, जो उनके मॉडरेटर्स है वो थोड़े ये हो जाए, मतलब कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो उनको बोल दे कि हाँ ऐसा हो रहा है, कांटेक्ट में रहिए कहीं डिस्कॉर्ड पे या तो कोई दूसरे फ़ोन से कांटेक्ट में रहिए कुछ ऐसा हो रहा है तो। अभी जो लोग स्पैम कहते हैं ठीक है, उसको स्टॉप कैसे किया जाए? बेसिकली उसको स्टॉप हम नहीं कर सकते बिकॉज़ ये पहले भी 1-2 साल पहले भी ये चीज़ हो रही थी, तो यूट्यूब ने उसको मतलब कुछ एक्शन लिया था और वो चीज़ होना बंद हो गई थी। अब दोबारा ये चीज़ वापस से चालू हो चुकी है। अब इसमें होता क्या है, अगर जो यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि भाई हम लोग चैट को स्लो मोड ऑन कर देंगे, अगर कुछ ऐसा आया तो हम लोग हाइड कर देंगे, तो भाई अगर आप लोग चैट को स्लो मोड ऑन करोगे आपके मॉडरेटर्स भेज पाएंगे, ठीक है, चैट्स उन लोगों को स्लो मोड से परवाह नहीं होता। और इन लोग को भी वैसा ही चीज़ है, अगर आप स्लो मोड ऑन भी करते हो या ऑफ भी रखते हो तो भी इन लोग वैसा ही स्पैम करेंगे जैसा नॉर्मली स्पैम करते हैं। अभी आप लोग ये बोलो कि हम उसको हाइड कर देंगे तो इनको हाइड से भी कुछ परवाह नहीं होता है, क्योंकि इनके पास बेसिकली एक कोडिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उसको मालूम है कि कोडिंग क्या होता है। और एक इन लोग कोडिंग उस तरीके से करते हैं, अगर आप इन लोग को टाइम आउट हाइड या कुछ भी दे दो तो इन लोग मतलब बोलते हैं इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन लोग स्पैम करते रहेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर फोटो कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है वो स्पैम लिंक्स के, जो एक बेसिकली एक चैनल पर हुआ था। अभी इन लोग ये स्पैम कौन सा लिंक्स कहते हैं, इन लोग वो लिंक स्पैम कहते हैं जो यूट्यूब के इसमें गलत होता है। जैसे कि हम लोग भी अगर कुछ गलत लिंक स्पैम कर दें, अगर हमने उसको 100 से 200 बार स्पैम कर दिया तो यूट्यूब एक्शन लेता है वो चैनल पे। 1-2 बार स्पैम हुआ तो कुछ नहीं, बट अगर 100 से 200 बार स्पैम हो गया तो यूट्यूब एक्शन लेता है। वैसे अभी रिसेंटली बिग लाइफ भाई के साथ भी हुआ, जो उनका चैनल टर्मिनेट हो गया, बट वो तो वापस आ जाएगा। अभी इसमें यूट्यूब क्या कहता है, मेन जब वो स्पैम लिंक्स होते हैं मतलब 1 बाय 1 इन लोग ऐसे कोडिंग डालते हैं, और ये एक ही इंसान रहता है बट इन लोग का नाम जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, ऐसा नहीं कि 1000 इंसान उन लोग साथ में करते हैं, ये एक ही इंसान होता है। उन लोग ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिससे ये चीज़ होती है। अभी इसको स्टॉप कैसे करना है वो तो बस एक ही चारा है कि अगर आप लोग ने जैसे ही देखा कि जो जैसे ज्ञान भाई हो गए, GSK भाई, JJ भाई, ब्लैक फ्लैग आर्मी में अगर उन लोग अपने चैस के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं या जो भी चीज़ करना उन लोग चाहते हैं, अगर उन्होंने स्लो मोड ऑन रखा है, जैसे ही आप लोग को दिखा कि हाँ भाई ऐसे लिंक स्पैम हो रहे हैं, आप लोग बस एक ही ऑप्शन है, आप लोग अपना लाइव तुरंत ऑन द स्पॉट बंद कर दें और चैट को डिजेबल कर दें कि वो लिंक वापस से स्पैम ना हो पाए। क्योंकि अगर हम लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं तो आई थिंक 30 या 20 सेकेंड्स के लिए हमारा जो चैट है वो विजिबल रहता है,
तो सीधा लाइव स्ट्रीम बंद करने से पहले अपने चैट को डिजेबल करिए और उसके बाद आप लाइव स्ट्रीम बंद कर दीजिए। यही आप लोग के पास एक ऑप्शन है अगर आप लोग बचना चाहो तो उन हैकर से जो स्पैम कर दें। अभी ये जो स्पैम लिंक उन लोग कहते हैं, मुझे मालूम है कि यूट्यूब इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लेता है, उनका चैनल टर्मिनेट कर देता है। बट यूट्यूब टर्मिनेट जब कहता है, एक मेल देता है, यूट्यूब एक सामने से मेल देता है कि हाँ आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है। अभी आप लोग को उस पर क्या करना है, वो मेल पे आप लोग को रिप्लाई करना है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा ऐसा। हाँ यूट्यूब उसका रिप्लाई नहीं देगा, बट यूट्यूब आपके उस मेल को और आपके चैनल को रिव्यू करेगा कि हाँ कहीं कभी ऐसा हुआ है या कुछ हुआ है। और यूट्यूब वो कहता है, उनकी वो जॉब है चीज़ कहने का, जैसे कि टर्मिनेट किया तो बाद में उन लोग वो चैनल को रिव्यू भी कहते हैं कि अगर इन लोग ने आज ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा कभी हुआ था क्या? अगर पहले ऐसा हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल है कि एक दो दिन में ना आए, बट अगर ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये आपके साथ फर्स्ट टाइम है, तो जाहिर सी बात है कि YouTube एक या दो दिन में आपका चैनल आपको वापस से दे देगा। और ये कंफर्म रहता है, जैसे कि कॉस्मिक क्वालिटी का चैनल वापस आ गया है, एक ही दिन में उनका विद इन 24 आवर्स के अंदर वापस आ गया, बिकॉज़ YouTube ने रिव्यू किया था। तो मैं बस यूट्यूबर से यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग देख रहे हो अपने चैनल पे ये चीज़ हो रही है, कुछ ऐसे मॉडरेटर्स रखो जो ट्रस्टेबल हो और जो आपको डायरेक्टली डिस्कॉर्ड पे आपके साथ जुड़े हुए हो। भले माइक बंद करके, जैसे ही देखा कि हाँ लिंक स्पैम हो रही है, तुरंत लाइव बंद करो, चैट को डिसेबल कर दो, वरना शायद से जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी ये हो सकता है। अभी आप लोग सोचोगे भाई एक दिन में तो चैनल वापस आ जाता है, बट यार जो एक दिन जब चैनल गायब होता है ना, तब क्या गुजरती है वो एक यूट्यूबर ही समझ सकता है, भले उसके 100 सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो। तो वो चीज़ मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई गेन करने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि ऐसा चीज़ करना है या मुझे व्यूज़ चाहिए। बस मैं यूट्यूबर्स लोगों को थोड़ा बोलते ना कि हाँ ऐसा चीज़ मत करो। अभी और रिसर्च चालू है कि इन लोग बेसिकली लिंक स्पैम क्यों करते हैं या किस रीजन की वजह से करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई उनसे पर्सनली कनेक्शन नहीं है या पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अभी कुछ लोग उसको ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट IGL, सेकेंड UG एंड थर्ड इज़ बिग लाइफ। तो भाई IGL और UG का जो मैटर है वो अलग है, वो कोई एक ही बंदा है जिसने हैक किया था, तो वो चीज़ अलग है। पासवर्ड और ये उसने लिया था, ये अलग है। ये सीधा YouTube के साथ है, YouTube से पंगा लेने की बात आती है। जो लिंक स्पैम कहते हैं, वो लिंक ऐसा रहेगा, मर्डर होएगा उसका वीडियो रहेगा या कुछ भी रह सकता है, वो हम लोग को नहीं मांग, क्योंकि YouTube इसको ये नहीं रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम लोग को ये लिंक्स ऐसा नहीं चाहिए। YouTube के एक बोलते ना कि कम्युनिटी में ऐसा चीज़ है जो सीधा एक्शन लेता है, यूट्यूब क्रिएटर्स सीधा एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। बेसिकली यूट्यूब क्रिएटर्स हमें, बस हमारे ऊपर एक हेड होता है जो ये सब चीज़ को देखता है। तो मैं बस उन फेलो यूट्यूबर्स को यही बोलना चाहूँगा कि बी वेयर गाइज, ऐसे लिंक से अगर आप लोग को दिख रहा है अपने चैनल पे कि अगर ऐसा कोई लिंक स्पैम कर रहा है चैट में, तो तुरंत लाइव स्ट्रीम को बंद कर दो, चैट को डिजेबल कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। एंड गाइज डोंट वरी, जो भी बिग लाइफ को प्यार करते हैं उनका चैनल वापस से एक या दो दिन में आ जाएगा, यूट्यूब को मेल कह दिया गया है। मेरे ख्याल से यूट्यूब रिव्यू करके ज़रूर उनका चैनल को वापस ज़रूर देगा, और तो देना ही पड़ेगा बिकॉज उनने आज तक कभी गलती किया नहीं। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, एंड जितने यूट्यूबर्स आपके दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो भेजो ताकि उन लोग भी देख पाएगा इस। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।